कल मेरा थर्ड ईयर का पहला क्लास है, सो सोने से पहले मैं ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख देती हूँ। सो आई जस्ट टुक ए शावर बिकॉज इट वॉज गेटिंग टू हॉट एंड कल क्लास है एंड अभी सोने का वक्त भी आ गया है एंड अभी बैग वगैरह पैक करके आई जस्ट स्लीप। कल के लिए भी रेडी होना होगा, कल हमारा क्लास है, आई का क्लास है एंड देन कॉममेड का भी प्रैक्टिकल है एंड और एक क्लास का नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है तो वो तो कल ही पता चलेगा, बट एटलीस्ट कल के लिए मुझे ड्रेस वगैरह थोड़ा रेडी रखना ये है होगा। मेरा बैग एंड अभी मैं बैग रेडी करके रख देती हूँ। ये है कॉममेड का कॉपी एंड ये रहा आई का कॉपी। आई का एंड ENT का कवर मेरा सेम है तो मैं कंफ्यूज ही हो जाती सो हूँ। दिस इज द बुक दैट आई हैव बीन रीडिंग सिंस अ वाइल नाउ एंड दिस वॉज माई फर्स्ट बुक जो कि रीडिंग का हैबिट मेरे अंदर डाला था एंड आई हैव रेड दिस बुक एटलीस्ट 3 times now and I'm still continuing to read this because whenever I feel demotivated now this book lifts me up. The Secret, you should definitely read this book. This is a go-to book for anyone and everyone. And again this is my journal which I made. मैंने अपने खुद से ये वादा किया था कि यार जब मैं December 2023 में low feel कर रही थी then I made this one to lift myself up and I think it helped a little bit. अगेन अभी 2024 का भी हाफ बीत चुका है सो आई डोंट नो हाउ टू प्रोसेस एवरी थिंग। भी मुझे लगता नहीं है कि हाँ मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया है बट स्टिल आई थिंक यू शुड हैव अ प्लान इन योर हैंड। आई हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग अ टू डू लिस्ट जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप सो इट हेल्प्स एंड जब मैं सुबह उठती हूँ देन आई एम नॉट लाइक अभी क्या करना है आई एम जस्ट प्रिपेयर्ड एंड सुबह उठते ही मैं वो काम करने लग जाती हूँ। मुझे सोचने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी करना अच्छा नहीं लगता सो या दैट्स अ थिंग। अगेन दिस डज नॉट मीन कि हाँ मेरा डेज हमेशा ही प्रोडक्टिव रहता होगा। इवन वेन आई एम शूटिंग दिस एंड टेलिंग यू गाइज टू बी सो स्टिल आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट विद इन माई सेल्फ। आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग सो गुड बट या मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज रियली हेल्प्स मी टू गेट माई सेल्फ अप एंड गेट माई सेल्फ बैक ऑन ट्रैक अगेन। मैंने अपना पेन ले लिया है एंड नथिंग मोर, मैं कुछ नहीं लेने वाली हूँ कल के लिए। वी हैव आर डांस प्रैक्टिस फॉर द फ्रेशर्स ऑफ जूनियर्स तो मैं 2 copies ही इसमें डालने वाली हूँ एंड अगर मुझे मन किया तो मैं अपना जो है वीडियो लेक्चर भी मैं देख लूँगी जाके। दिस इज़ माई मंथली कैलेंडर, ये मैंने ख़रीदा था कुछ महीना पहले एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट ड्रीम कैचर्स। तो अगेन मैंने ये कुर्ती लिया है एंड ये मैं मेरा जीन्स है जो मैं कल पहनने वाली हूँ। सो मिलते हैं कल, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स ब्रश आवर टीथ। आज मुझे उठने में ज़रा सा लेट हो गया एंड ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। नाउ लेट्स क्विकली गेट रेडी क्योंकि लेट हो रहा है। कैसी लग रही हूँ मैं? धूप के सामने खुद को देख के तो बड़ा मज़ा आता है। सो लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ स्किन केयर। एट फर्स्ट वील अप्लाई रोज़ का टोनर, जिसके बाद हम अप्लाई करेंगे निविया का मॉइस्चराइज़र विच विल कीप माई स्किन हाइड्रेटेड एंड उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं सनस्क्रीन बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा धूप है एंड टू प्रोटेक्ट माई स्किन फ्रॉम द सनलाइट यूवी रेज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई इट ऑन आवर फेस एज वेल एज आवर एक्सपोज्ड स्किन पैच। आफ्टर दैट आई विल अप्लाई लिप बाम एंड अ लिटिल बिट ऑफ लाइट शेडेड लिपस्टिक एंड ये वॉच ऑब्वियसली ये मेरा फेवरेट वॉच है इसीलिए। सो आई एम रेडी गाइस एंड अभी मैं जो ड्राई फ्रूट्स अपने लिए भिगोई थी वो भी मैं लेकर जा रही हूँ। तो यहाँ अभी मैं निकलती हूँ क्लास के लिए। ये है हमारा लिफ्ट का व्यू, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले पहुँचते ही आई का लेक्चर क्लास हुआ जिसमें मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। सब कुछ मेरे दिमाग में तो नहीं घुसा पर मैंने टॉपिक्स का नेम लिख कर रख दिया एंड उसी के बाद कॉममेड का प्रैक्टिकल क्लास हुआ। ये क्लास मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वैक्सीन्स के ऊपर था, कौन से वैक्सीन को कितने टाइम तक दिया जा सकता है, अगर आपको कोई वैक्सीन मिस हो जाता है उस केस में हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ के बारे में हमने आज सीखा। तो आज मेरा थर्ड ईयर का कह सकते हैं कि हाँ फर्स्ट डे था, ऑफिशियल फर्स्ट डे कुछ और ही था बट एक्चुअली मैं लेट थी तो मेरे लिए ये फर्स्ट डे था। तो आज हमने पढ़ा आई का एक थ्योरी क्लास हुआ था एंड देन हमारा कॉममेड का प्रैक्टिकल क्लास हुआ था जिसको कहते हैं कम्युनिटी मेडिसिन। तो आई में तो हमने आई का नॉर्मल पढ़ा एंड देन पढ़ा विजुअल साइकिल के बारे में एंड भी बहुत कुछ पढ़ा, विजुअल डिफेक्ट्स एक्सेट्रा।
एंड कॉमेट का प्रैक्टिकल मुझे आज बहुत मज़ेदार लगा। कॉमेट का प्रैक्टिकल में आज हमने सीखा वैक्सीन के बारे में, उसमें बच्चे से लेकर थोड़ा एज होने तक कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एंड रिसेंटली मैं अभी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी तो उसमें मैं जाकर अभी आई हूँ, तो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड डे। जो भी मैं सीखूंगी आई विल जस्ट कीप यू अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग। एंड थर्ड ईयर में 4 सब्जेक्ट होते हैं, IENT, FMT एंड कम्युनिटी मेडिसिन। तो अब तक मैंने एक आई का लेक्चर क्लास अटेंड किया था, फिर आज आई का दूसरा लेक्चर अटेंड किया, एंड देन कम्युनिटी मेडिसिन का प्रैक्टिकल भी अटेंड किया। तो थर्ड ईयर इज काइंड ऑफ ईजी आई थिंक, बट आई मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था। एंड जो क्लासेस है वो अभी उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है जैसा कि हमें पहले करना पड़ता था। एक दिन में 3-3 थ्योरी क्लासेस हुआ करते थे, बट अभी एक दिन में 1 या 2 ही थ्योरी क्लास हुआ करते हैं एंड प्रैक्टिकल होते हैं, तो वो भी कभी कभी कैंसिल हो जाता है। तो थर्ड ईयर कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा है, बट यार ऑब्वियसली नया नया है तो मुझे उतना समझ अभी नहीं आ रहा है, तो ट्रैक पे तो अभी हम अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो आई होप कि धीरे धीरे टाइम के साथ मैं अडेप्ट हो जाऊंगी, एंड बहुत कुछ मेरा छूट गया था तो वो सब भी बैकलॉग कवर करना होगा मुझे, एंड कल भी क्लास है तो उसके लिए भी अभी थोड़ा प्रिपेयर करना होगा।